यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने इस न्यूमेरिकल में साइन सी प्लस साइन डी ऑपरेट किया, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी ऑपरेट किया, और ये दोनों एक दूसरे के निगेटिव आ गए, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू आर एच एस। आप इसमें दूसरा रूल भी लगा सकते हो, फैक्टराइजेशन से डिफैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो। यहाँ पे डिफैक्टराइजेशन से हमने फैक्टराइजेशन किया, बट अगर हम लोग प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें तो साइन ए साइन थ्री में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो फैक्टराइज फॉर्म में है, तो हम लोग डिफैक्टराइज भी कर सकते हैं। सो हम लोग डिफैक्टराइजेशन से चलते हैं इसमें, मेथड टू। मेथड टू एल एच एस, मैंने पहले ही बताया था कि इनको मल्टीप्लाई करना है और दो से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो सबसे पहले हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, साइन थ्री ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए कॉस थ्री ए इंटू कॉस ए, और माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, टू साइन थ्री ए साइन ए प्लस टू साइन ए इंटू साइन ए, सी हियर साइन इज मिसिंग, प्लस टू कॉस थ्री ए इंटू कॉस ए, और माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस ए। सो यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन रूल लगाओ, वन बाई टू इंटू टू साइन साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस कॉस ए माइनस बी दैट इज टू ए, और ये हो जाएगा कॉस फोर ए, साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी दैट इज कॉस जीरो, और माइनस कॉस ए प्लस ए दैट इज प्लस टू कॉस थ्री ए कॉस, तो यहां पे क्या क्या मिल जाएगा आपका, दोनों प्लस में मिल जाएगा, कॉस फोर ए प्लस कॉस टू ए माइनस यहां पे कॉस टू ए, और माइनस वन मिल माइनस कॉस जीरो मिल जाएगा, बराबर। अब आप देखो क्या क्या हो रहा है, कॉस जीरो से कॉस जीरो खत्म जो कि वन के बराबर होता है, कॉस टू ए से कॉस टू ए खत्म, कॉस फोर ए से कॉस फोर ए खत्म, और कॉस टू ए से कॉस टू ए खत्म, एवरीथिंग इज कैंसलिंग आउट इच अदर, सो वी गेट जीरो। समझ गए रोहित? यस सर। आइए 19 नंबर देखते हैं। टू कॉस फाइव बाई थ्री कॉस नाइन फाइव बाई थ्री, टू कॉस फाइव बाई थर्टीन इंटू कॉस नाइन फाइव बाई थर्टीन प्लस कॉस थ्री फाइव बाई थर्टीन, और प्लस फाइव पाई बाई थर्टीन। अब देखो इसमें क्या करना है, सन ये है शांतनु का, शांतनु आपने इसमें क्या ट्राई किया, शांतनु
सर लास्ट के डिफैक्टराइज में करेंगे। डिफैक्टराइज किया ना, उसके बाद एलाइड एंगल लगाना है। आफ्टर डिफैक्टराइजेशन वी हैव टू अप्लाई एलाइड एंगल। सो इस पार्ट को डिफैक्टराइज करेंगे ना ये प्रोडक्ट में, तो ये मिल जाएगा आपको कॉस पाई प्लस 9 पाई मतलब 10 पाई डिवाइडेड बाय 13 प्लस कॉस 9 पाई माइनस पाई 8 पाई। सो कॉस 8 पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। अब आप देख सकते हो कि किसका किसका ग्रुपिंग करना है। आप यहां पे ध्यान से देखो, ये 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, इसका और इसका सम क्या है, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13। देखो 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 इक्वल टू कितना होगा, 13 पाई बाय 13। 13 पाई बाय 13 विच इज इक्वल टू पाई है ना, ये पाई के बराबर है। तब हम लोग क्या लिखेंगे कि 10 पाई बाय 13 कैन बी रिटेन एज पाई माइनस 3 पाई बाय 13। टेक कोसाइन बोथ साइड, कॉस 10 पाई बाय 13 इक्वल टू कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 13। आर एच एस को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आर एच एस को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस पाई माइनस थीटा वाला बिहेवियर है, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 13 कॉस थीटा मिलेगा ना। है ना, ये माइनस कॉस 3 पाई बाय 13 मिलेगा। तो वी कैन राइट कॉस 10 पाई बाय 13 इक्वल टू माइनस कॉस 3 पाई बाय 13। ऑन अ सिमिलर नोट कॉस 8 पाई बाय 13 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस 5 पाई बाय 13 और ये हो गया कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस 5 पाई बाय 13। सेकंड स्टेप क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। वेरी नाइस। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। है ना, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अभी तक के थ्योरी पार्ट में कोई बच्चा कहीं पे फंस रहा हो, क्योंकि टेस्ट आने वाला है। हम लोग जो सपोर्ट लेक्चर लगाते हैं वो संडे को लगाते हैं, तो टेस्ट से पहले सपोर्ट लेक्चर मुश्किल है, तो जो भी डॉट वगैरह है आप क्लियर कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन श्रावणी? 19 नंबर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो मेरा है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
और हम लोग ये जानते हैं कि जहां पे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा होता है उसको हम लोग सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं डिफैक्टराइजेशन रूल से। टेस्ट के बारे में बात करता हूं, जस्ट मुझे ये क्वेश्चन डिस्कस करने दो नील। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, इस प्रोडक्ट फॉर्म को हमें किस फॉर्म में ले जाना होगा श्रावणी? बताओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, चैट में लिखिए। तो डीफैक्टराइज्ड फॉर्म, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? टू कॉस ए कॉस बी है, थर्ड नंबर फॉर्मूला आपका टू कॉस ए कॉस बी का आरएचएस क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही होता है ना। अब इसी पे सेट कर दो, ए को आपने 13 π/13 कहा है और बी को आपने 9 π/13 कहा है, सो एड देम, है ना, ये 10 π/13 मिलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप ऐसे सोच सकते हो कि पाई माइनस 9 π/13 कितनी होती है? -8 π/13, और कॉस का निगेटिव जो होता है वो कॉस पॉजिटिव के बराबर, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। इज इट क्लियर श्रावणी? तो हमने लिख दिया इसको कॉस 10 π + cos 8 π, है ना, इसको चेंज किया गया है अलाइड एंगल के थ्रू। अलाइड एंगल अगर हमने लगाया तो हमने सिर्फ एक पार्ट में दिखाया आपको कि किसका किसका पेयरिंग करना है। हमने पेयरिंग किया है वैसे दो एंगल का जिनका समेशन किसके बराबर है, पाई के बराबर है या फिर π/2 के बराबर है, ठीक है। तो इनका पेयरिंग हमने कर लिया, यहाँ पे हमने दिखाया है कि इन दोनों का समेशन क्या है, पाई के इक्वल है, बट 3π/13 को आरएचएस में भेजेंगे तो पाई माइनस 3π/13 बन जाएगा 10 π/13, और दोनों साइड कॉस ऑपरेट करिए। जैसे आप इफ यू वांट टू कैलकुलेट कॉस 10 π/13 तो कॉस लेंगे, अगर साइन लिखनी होगी तो साइन लेंगे, है ना, और आरएचएस में सिंप्लीफाई कर देंगे। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है कि कुछ कैंसिल आउट वगैरह अगर होने के चांस है तो कैंसिल हो जाए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया श्रावणी? आइए 18 नंबर देखते हैं। ये भी काफी लंबा दिख रहा सवाल है ना, थोड़ा नीचे करके इसको लिखते हैं। हाँ, साइन बीटा माइनस गामा गामा या डेल्टा है, गामा कॉस अल्फा माइनस डेल्टा, कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस डेल्टा आशीष, अगर माइक ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लो।
कॉस गामा माइनस डेल्टा। इस क्वेश्चन में आशीष हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हुआ है या डीफैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हुआ है? बताओ आशीष, फैक्टराइज फॉर्म है या डिफैक्टराइज फॉर्म है? डिफैक्टराइज फॉर्म है ना श्रवणी? बहुत बढ़िया। अगर ये डिफैक्टराइज फॉर्म है तो इसको हमें क्या, डिफैक्टराइज फॉर्म है, कहां पे डिफैक्टराइज फॉर्म दिया है? अरे इस टर्म की बात मैं कर रहा हूं, इसको देखो, इसको इस पे फोकस करो। प्लस से पहले कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, डिफैक्टराइज या फैक्टराइज्ड? मतलब प्रोडक्ट में लिखा हुआ है या सम में लिखा हुआ है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना? तो बोथ आर नॉट गिवेन। क्या गिवन नहीं है क्षितिजा? सर डिफैक्टराइज एंड फैक्टराइज। अरे सर हमें टू से देखो, साइन बीटा माइनस गामा इनटू कॉस अल्फा माइनस, तो इनटू आ गया, इनटू आ गया, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में। समझे क्षितिजा? यस सर। हाँ ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको डिफैक्टराइज फॉर्म में ले जाना होगा। So, इसके लिए हम लोग को हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और मेंटेन करने के लिए टू मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म में। सो मान करके चलो, है ना, मैं इस स्टेप को ऊपर ही दिखा देता हूं। देखिए यहां पे मैं हाफ ले रहा हूं और इनके पास टू रख दिया मैंने, बराबर इस टर्म के भी पास टू आ जाएगा, इस टर्म के भी पास टू आ जाएगा और मैं ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर रहा हूं, बराबर है। अब देखो, हाफ टाइम्स टू इंटू साइन ए, इसको ए मान लो, इसको बी कह दो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। सो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है? टू साइन ए कॉस बी आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। तो ये लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये एंगल का समेशन इसके साथ। सो बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस सेकेंड टर्म साइन बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, तो अल्फा निगेटिव में रहेगा और डेल्टा पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि डबल माइनस हो जाएंगे डेल्टा के अगेंस्ट प्लस। अब इसमें देखो टू टाइम साइन ए कॉस बी, फिर से सेम फार्मूले, साइन गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस डेल्टा। इसमें भी सेम फार्मूला, साइन ए प्लस बी दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा प्लस साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है आशीष? इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग को कैंसिलेशन के लिए देखना है कौन सा टर्म किसके निगेटिव है। सो इस चीज को कैसे हम लोग समझेंगे कौन किसका निगेटिव है, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट अगेन।
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन, है ना, विद अ नेगेटिव साइन, ऐसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखो, एक और कैलकुलेशन मैं रफ में कर रहा हूं। साइन ए माइनस बी को हम लोग माइनस साइन बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? इसे माइनस बाहर कर लिया, एंगल में माइनस चला गया। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस साइन बी माइनस ए। जिनको नहीं समझ में आ रहा, रेज योर हैंड। रोहित को समझ में नहीं आ रहा, ओके। और भी बच्चे होंगे? ठीक है, तो मैं अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अपने आप समझ में आएगा, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और फिर से लिखूंगा इसी चीज को, आप लोग बताना। साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? यस 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 सामने। वेरी गुड रोहित, हाँ सर लिख सकते। ओके नम्रता लिख सकते हैं? यस सर। करण? यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ये आइडेंटिटी है, राइट। अब ये आइडेंटिटी है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि थीटा की जगह पे ए माइनस बी रखो। रख सकते हैं ना, तो हम लोग आर एच एस में क्या लिखेंगे? माइनस साइन ए माइनस बी। अब तो क्लियर है कि इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, है ना? यस सर। अब देखो यहां पे सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे बहुत अजीब स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। देखो साइन ये हो जाएगा बी माइनस ए, एक स्टेप में थोड़ा फांग गया है ना, उसको थोड़ा एक स्टेप और मैं लिख ही देता हूं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू माइनस साइन ए माइनस बी मिलेगा। अब यहां से देखो बी को पहले और ए को बाद में लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकता हूं मैं बी को पहले ए को बाद में? यस सर। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास यहां पर दो ही पीसेस हैं। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल में जो LHS में हमने लिखा है चार चार पीसेस हैं, अब इनका नेगेटिव पॉजिटिव अरेंजमेंट करना है इसी तरह से कि किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, बराबर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को देखो ध्यान से, बीटा पॉजिटिव है ना। अब देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, काम नहीं करेगा।
हमको बीटा निगेटिव वाला चाहिए। क्या है बीटा निगेटिव वाला? कोई पहले देखते हैं बीटा निगेटिव वाला कौन है। ये वाला टर्म है बीटा निगेटिव है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे गामा निगेटिव है, गामा पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्फा फंस गया, तब हम दूसरे टर्म में चलते हैं। बीटा निगेटिव चाहिए, इस टर्म को देखते हैं। बीटा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, बढ़िया बात है। बीटा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा निगेटिव, गामा पॉजिटिव, अल्फा निगेटिव, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। क्या कुछ क्लू मिल रहा है आप लोगों को? क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे कैंसिल हो गए? क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे के कैंसिल हो गए? क्या ये दोनों टर्म एक दूसरे के निगेटिव होगा? यस सर। आउट कर सकते हैं ना, इनको कैंसिल आउट कर। यस यस। तो हम लोग दूसरा देखते हैं। इनको देखो, बीटा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव वाला चाहिए। बीटा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा निगेटिव, गामा पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। इट मींस बोथ ऑफ दिस टर्म कैंसिल आउट इच अदर। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कैन रेज हैंड। Don't shy away from asking your doubt. समृद्धि समझ गई? Yes, sir. Very good. सोनू समझा? सोनू वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है। सिद्धि नो रेस्पॉन्स। ये लोग हैं मूर्ति आइडल, बहुत बढ़िया। सोनो चलिए अब आगे चलते हैं। इनको देखो तो ये दूसरे एक दूसरे के निगेटिव है, ये दोनों। आप ही लोग बताओ एक दूसरे के निगेटिव है या नहीं? यस है ना, तो कैंसिल आउट कर देंगे इनको, जीरो हो गया। अभी तक क्या न्यूमेरिकल में पता चला? जहां पे प्रोडक्ट फॉर्म है उसको सम फॉर्म में ले जाएंगे, और जहां पर सम फॉर्म है उसको प्रोडक्ट में ले जाएंगे, बस इतना ही काम करना है। तो देखो ऐसा मत करना कि जहां पे प्रोडक्ट है उसको सम और सम वाले को प्रोडक्ट। बेसिकली हम लोग को या तो टोटल सम फॉर्म में लिखना है या टोटल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमने सारी चीजों को सम फॉर्म में लिखा, तब जाके कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर हम लोग गलती से इसको जो है सम फॉर्म में लिखे, इसको प्रोडक्ट में रहने दे, तो फिर कैंसिल करने का कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा। सो मेरे हिसाब से इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 आप लोग को बेटर क्लियर हो चुका है, राइट? फॉर्मूला पे अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग रेगुलर, ये सारे सवाल ना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, नहीं तो फार्मूला ध्यान से निकल जाता है। फार्मूला याद रखने का तरीका ये है कि रोज अपने अपने नोटबुक पर जितनी फार्मूला पढ़े हो
बिना लिस्ट के उसको रिप्रोड्यूस करो, बिना लिस्ट के रिप्रोड्यूस करो अपने नोटबुक पर उसको रोज। आइए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल एंगल कहते हैं। आगे चलने पर जो भी हमें मिल रहा है उसको मल्टीपल एंगल कहा जाता है। तो मल्टीपल जब है तो कई बार हम लोग यहाँ पे सब मल्टीपल भी नाम दे सकते हैं। ये दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल, है ना। अब देखो, ए कोई नंबर है आपका, वेरिएबल नंबर, आप लिखते हो 2A, आप लिखते हो 3A, आप लिखते हो 4A, है ना। और ए कोई नंबर है तो कई बार आप लिखते हो ए बाई टू, कई बार आप लिखते हो ए बाई थ्री, कई बार आप लिखते हो ए बाई फोर। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, किसी एक नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका मल्टीपल लिख सकते हैं इंटीजर मल्टीप्लाई करके। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई सम इंटीजर टू एनी नंबर, है ना, देन द न्यू नंबर इज सेड टू बी, न्यू नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ ओल्ड नंबर। तो ये सारे जो आए हैं 2a, 3a, 4a, 5a, 6a एंड सो ऑन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑफ ए कहते हैं, मल्टीपल ऑफ ए। और वही इंटीजर को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो प्रोड्यूस्ड नंबर को हम लोग सब मल्टीपल कहते हैं, सब मल्टीपल ऑफ ए, है ना। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीजर। सब मल्टीपल मतलब डिवीजन बाय इंटीजर। एक बार ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं तो फिर मल्टीपल और सब मल्टीपल में कोई भेदभाव नहीं बचेगा। सो आपके लिए एक छोटा सा टेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट टू मल्टीपल्स ऑफ ए बाई थ्री, ए बाई थ्री के दो मल्टीपल बताने हैं, ए बाई थ्री के दो मल्टीपल बताने हैं। संदेश बताओ ए बाई थ्री के दो मल्टीपल। जो भी बच्चा सोच लेगा वो चैट पे लिख सकता है ए बाई थ्री के दो मल्टीपल बताने हैं। एक मिनट का मोहलत है। शांतनु थोड़ा ठीक से लिखो आंसर, ए बाई थ्री के मल्टीपल बताने, ए के नहीं बताने। वेरी गुड रोहित, श्रेया हमें थ्री के मल्टीपल नहीं बताने, ए बाई थ्री के मल्टीपल बताने, ए बाई थ्री के मल्टीपल बताने हैं श्रेया। बहुत अच्छा शांतनु, बिल्कुल लिख सकते हैं रोहित, बहुत अच्छा ऑब्जर्व किए हो सर। बोलो सर।
पहले दिए थे वो भी राइट हो गए ना, उसको नहीं बोल सकते हो। क्या क्या लिखे थे? ए और टू ए। अच्छा बहुत आगे का लिख दिए थे। हाँ ठीक है, राइट है। आशीष, इंटीजर से मल्टीप्लाई करके बताना है। एवरीबडी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो और बताओ। देखिए, मल्टीपल ऑफ ए बाई थ्री मतलब हो गया टू इंटू ए बाई थ्री, थ्री इंटू ए बाई थ्री। फोर इंटू ए बाई थ्री एंड सो ऑन। अब टू ए बाई, ये देखो टू इंटू ए बाई थ्री को क्या लिखोगे? ये बनेगा टू ए बाई थ्री, ये बनेगा थ्री ए बाई थ्री से थ्री कैंसिल, ए फोर ए बाई थ्री एंड सो ऑन। समझ में आया सबको मल्टीपल? यस सर। श्रेया? यस सर। करण? यस सर। वेरी नाइस। अगला मौका सब मल्टीपल का। राइट टू सब मल्टीपल ऑफ ए बाई थ्री। दो एक मिनट का मौका। ए बाई थ्री का सब मल्टीपल। बहुत अच्छा शांतनु। रोहित, ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू विल बी इक्वल टू ए बाई सिक्स नॉट टू ए बाई थ्री। हाँ बहुत बढ़िया क्षितिजा। नम्रता इसमें ट्राई करो। मेल गड़बड़ है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैसे चला जाएगा? आशीष राम, मयूरी बहुत बढ़िया। मेल रॉन्ग है। वेरी नाइस रोहित। रोहित समझ गया। मैं बोल रहा हूं इंटीजर से डिवाइड करना है, तुम लोग मल्टीप्लाई करके ले आते हो। मल्टीप्लाई बोलता हूं कभी कभी, डिवाइड करके ले आते हो, चक्कर क्या? श्रेया वेरी गुड, यू अंडरस्टूड राइट। सब मल्टीपल में डिवाइड करना है और मल्टीपल के केस में मल्टीप्लाई करना रहेगा। नील वेरी गुड। नम्रता ट्राई करो। समृद्धि का एकदम आंसर नहीं आ रहा है। समझ रही हो समृद्धि? यस और नो? यस सर। हाँ ट्राई करो।
चलिए एक मिनट गुजर गया, तुम लोग टेबल लिख नहीं सकता है, मैं समझ गया, टेबल लिखने में भी तुम लोग को डर लगता है। टेबल कौन बच्चा नहीं लिख सकता, हर कोई लिख सकता है, तुम लोग जो है थोड़े लेजी मिजाज के हो गए हो। देखिए दो सब मल्टीपल लिखना है, टू सब मल्टीपल, ऑफ ए बाई थ्री क्या हो जाएगा, ए बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई टू, तो लिखेंगे ए बाई थ्री इंटू वन बाई टू, मतलब ए बाई सिक्स, ए बाई थ्री होल डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये बन जाएगा आपका ए बाई थ्री होल डिवाइडेड बाई थ्री, मतलब वन बाई थ्री, बन गया ए बाई नाइन। बहुत बढ़िया श्रावणी। और ये बैकवर्ड स्लैश का मतलब डिवीजन नहीं होता श्रावणी। हाँ नील, तुम अब पहुंचा दो उसको चांद पर। आइए और देखिए, थ्री बाई टू ए का मल्टीपल और सब मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल दो लिखें और दो सब मल्टीपल लिखें। दो दो एग्जांपल मल्टीपल और सब मल्टीपल का बताएं। ठीक है, कोई बात नहीं है श्रावणी, तुम बैकवर्ड स्लैश का यूज कर सकती हो। देखिए थ्री बाई टू ए का मतलब क्या होता है, थ्री बाई टू ए का मतलब होता है थ्री ए बाई टू, दिस इज समथिंग थ्री ए बाई टू। अब इसका नाइन ए बाई टू थ्री ए मल्टीपल में, बहुत अच्छा शांतनु, शांतनु का कहना है कि थ्री ए इसका मल्टीपल होगा, नाइन ए बाई टू फ्रैक्शनल मल्टीपल होगा, राइट। ये दोनों तरह का मल्टीपल लिखा है शांतनु ने, लोगों को बताने के लिए कि ऐसा भी इसका मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में भी और बिना फ्रैक्शन में भी होगा। सब मल्टीपल बताओ शांतनु, बहुत अच्छा शीतजा, बिल्कुल सही है, शांतनु का भी करेक्ट है, नील का बहुत अच्छा आंसर, रोहित भी करेक्ट लिखा है, अब तुम लोग समझ गए हो। आशीष एक लिख देगा, मैं आशीष के लिए ये एग्जांपल लिखा हूं, मल्टीप्लाई करके जो लाओगे आशीष उसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं, थ्री ए नाइन ए बाई टू, वेरी नाइस। सब मल्टीपल देखिए, नम्रता कैन यू लिसन, नम्रता यस सर, रिप्लाई करो, बहुत अच्छा आशीष, इसका मतलब तुम्हें क्लियर हो गया है। थर्टीन ए बाई टू मल्टीपल कैसे होगा रोहित,
बहुत अच्छा मयूरी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सोनू। चलिए कॉन्फिडेंस आ गया ना आशीष, इतना ही करना है। ए बाई थ्री सब मल्टीपल कैसे होगा नील? दो आंसर आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ दे आर राउंड। एक है 13 ए बाई टू, देखिए 13 ए बाई टू ये कोई मल्टीपल नहीं है, इज नॉट अ मल्टीपल। क्यों मल्टीपल नहीं है अब बताइए? 13 ए बाई टू डिवाइडेड बाई 3 ए बाई टू करोगे तो ए बाई टू से बाई टू गया और 13 बाई थ्री आ गया, ये इंटीजर नहीं है ना, इसीलिए ये मल्टीपल नहीं है। मतलब कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 13 नहीं बन सकता है। अगर आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप इसमें 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 30 ए बाई टू बनता, 13 नहीं, बराबर, इसलिए 13 ए बाई टू इज नॉट अ मल्टीपल। अब देखिए एक और आंसर आया था, हो सकता है मिस टाइपिंग किया हो किसी ने, नील ने, ए बाई थ्री इज नॉट ए सब मल्टीपल एंगल, नॉट अ सब मल्टीपल एंगल। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्यों सब मल्टीपल एंगल नहीं है, आप 3a by 2 into कोई भी इंटीजर लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ पे 3 क्रिएट होगा, 2 कहाँ से जाएगा, 2 जाने का कोई रास्ता नहीं है इंटीजर से, है ना। यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे तो आप a by 3 नहीं क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए a by 3 सब मल्टीपल एंगल नहीं है। समझ गए नील? नील समझा? वेरी गुड। आइए अब मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल क्या हैं। अभी भी कोई बच्चा है a by 2 3a by 4 सब मल्टीपल है श्रावणी? अभी भी कोई बच्चा है जिसको मल्टीपल और सब मल्टीपल में प्रॉब्लम आ रही हो, खुल करके बता सकता है? डरने की कोई बात नहीं है, आपका क्लैरिटी ही मेरे लिए खुशी का कारण है। सबको क्लियर हो गया है? आइए अब हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं, टाइम तो हालांकि काफी कम बचा होगा। आधा घंटा हो जाएगा, आज अपना एक्सरसाइज निकल जाएगा। अब हम लोग फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या करना है ध्यान से देखना है, ठीक है? देखो फार्मूलाए, अभी तक हम लोग साइन ए कर रहे हैं ना, या फिर जो भी है साइन बी कह सकते हो, तो साइन ए के रेस्पेक्ट में अगर साइन टू ए हम लोग लिखेंगे तो ये मल्टीपल एंगल कहा जाएगा, वैसे ही बी की जगह पर बी बाई थ्री में लिखूंगा तो क्या कहा जाएगा, सब मल्टीपल कहा जाएगा, है ना। अब देखो फार्मूला कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। हमारे पास कंपाउंड एंगल का एग्जिस्टिंग फार्मूला मैं लिख रहा हूं,
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। श्रेया बताना साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या है। साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस ए प्लस बी है। श्रेया का कहना है कि इसका एक्सपेंशन जो है वो कॉस ए प्लस बी है। इज इट करेक्ट? नो सर। तो फिर बताओ रोहित क्या एक्सपेंशन है? नो सर। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया आयुष, वेरी गुड। श्रेया समझ में आया? यही फार्मूला मैं पूछ रहा था तुमसे। वेरी गुड, है ना। अब देखो ये जो फार्मूला है ये हरेक ए बी के लिए ट्रू है, इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंगल्स। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है वो हर एक ए एंड बी के लिए करेक्ट है। बराबर, यहाँ पे फॉर ऑल पॉसिबल हम लोग कई बार लिखा करते हैं। ठीक है, कई बार फॉर ऑल पॉसिबल मैं लिखा करूंगा। बराबर, तो गलत नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम इस फार्मूला में साइन 2a बनाना चाहते हैं, LHS को अगर मैं किसी तरीके से साइन 2a लिखना चाहता हूं तो क्या इसमें b की जगह पे a लेना पड़ेगा? क्या b की जगह पर a लेने से साइन 2a बन जाएगा? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि b की जगह पर a रखेंगे तो साइन 2a मिलेगा? बहुत बढ़िया रोहित, आशीष, आयुष, वेरी नाइस। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ खड़ा करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। सो जिनको समझ में आ गया है काइंडली डाउन योर हैंड्स, और जो लोग नहीं समझ पाए वो लोग अपनी हाथ खड़ा कर दें। अगर मैं बी की जगह पर ए रखूंगा तो साइन 2a बनेगा। ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो वो काइंडली कैन रेज हैंड। कोई भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि ऑलमोस्ट तुम लोग को क्लियर है, और शायद कुछ ही बच्चे हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कुछ नहीं बता पा रहे हैं। सो साइन 2a ये बन जाएगा। अब देखो, क्योंकि हमने बोला कि ये फार्मूला जो है हर एक एंगल के लिए ट्रू है, इसका मतलब अगर B यहाँ पर A आपने रखा है तो RHS में भी आप क्या करोगे, B की जगह पर A रख दोगे।
तो ये बन जाएगा आपका साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन ए। तो ये बन गया आपका साइन ए कॉस ए टू टाइम साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब एक फॉर्मूला तैयार हो गया मल्टीपल एंगल का। साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए। बात समझ में आई सबको? फॉर्मूला समझ में आया? yes. है ना। अब देखो इसी तरीके से आपको दो फॉर्मूला और डिराइव करना है। अगला फॉर्मूला है कॉस टू ए का डिराइव कॉस ऑफ टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको डिराइव करो। और दूसरा टेन टू ए डिवाइडेड बाय टेन टू ए इक्वल टू टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए। दोनों डिराइव करिए। दोनों का फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस बी का, उन्हीं को यूज करिए, डिराइव करिए। और डिराइव होने के बाद अगर हो जाए तो आप डन लिख दीजिएगा। पांच मिनट का समय है, डिराइव करके डन लिखना है। उससे पहले करोगे तो अति उत्तम। बहुत बढ़िया शांतनु, रोहित, क्षितिजा, वेरी गुड आयुष। आप मेंटली भी कर सकते हो और लिख करके भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया मयूरी, आशीष। बहुत बढ़िया रोहित, श्रेया। बहुत बढ़िया श्रावणी। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। फॉर्मूला देखिए और उसे इसको डिराइव करिए।
बहुत बढ़िया आयुष। बहुत बढ़िया आशीष, नील बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, दो चार लोग और हैं। अच्छा ठीक है, ठीक उसको करवा एडवांस वाला। तो इसका मतलब तुम लोग फार्मूला डिराइव कर लिए है ना, बहुत अच्छा। बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया नील। करण, यस सर। एक आध हुआ या सारे बच्चे, कोई नहीं हुआ? कॉस वाला किए करण? सर आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है, ठीक है आइए देखिए फिर। आइए फॉर्मूला से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। सो वी हैव कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। और ए की जगह पर बी रखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ए की जगह पर बी लिख दे अगर ए की जगह पर बी लिख दे है ना, तो कॉस टू भी मिल जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका कॉस टू बी और ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। और यही अगर ए यहाँ पर रहता तो यहाँ पे ए और ए हो जाता, देयरफॉर हमारा फार्मूला ये कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक इसी तरीके से टेन का जो ए प्लस बी का फॉर्मूला था, टेन का जो ए प्लस बी का फॉर्मूला था वो था टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए और टेन बी था। ठीक इसी तरीके से इसमें अगर बी को हम लोग ए से रिप्लेस कर दे, बी को अगर ए से रिप्लेस कर दे सो ऑन एलएचएस वी आर हैविंग टेन टू ए ऑन आरएचएस टू टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। तो ये दोनों फार्मूले हमने क्लियर कर लिए। ठीक इसी तरीके से थ्री ए में फार्मूला होता है, मैं एक फार्मूला का डेरिवेशन करूंगा बाकी आप लोग घर पे करेंगे। साइन थ्री ए देखिए, साइन थ्री ए इक्वल टू हम लोग को थ्री साइन ए
माइनस फोर कॉस क्यूब ए दिखाना है, थ्री साइन ए माइनस फोर कॉस क्यूब ए दिखानी है, कैसे करेंगे? सो वी विल स्टार्ट विथ साइन थ्री ए, साइन थ्री ए, थ्री ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ए में जाना है, तो ए में जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साइन मॉड्यूल में डिफरेंट है, कौन सा फॉर्मूला डिफरेंट है बोलो सर? उधर माइनस साइन क्यूब फोर साइन क्यूब, अच्छा ये कॉस क्यूब नहीं होगा, साइन क्यूब होगा, ये साइन क्यूब होगा, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, हाँ यही सर यही है ना। अब देखो 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a, एक्सपेंड करेंगे लिखेंगे साइन 2a इंटू कॉस a प्लस, ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस 2a। अब देखो साइन 2a का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो, लिखोगे 2 साइन a इंटू कॉस a इंटू कॉस a और साइन a इंटू कॉस 2a का फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा सीखे है ना। अब देखो ये बन गया टू साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, टू साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहां पे क्या मिल रहा है? साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये मिल गया टू इंटू टू साइन ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया और माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को माइनस टू साइन स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो ये हो गया टू साइन ए इंटू वन, टू साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए टू साइन क्यूब ए प्लस कॉस साइन ए इंटू वन साइन ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए टू साइन क्यूब ए साइन ए प्लस टू साइन ए थ्री साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए टू साइन क्यूब ए फोर साइन क्यूब ए। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले थ्री ए को 2a प्लस a लिख दिया है, जहां जहां पे 2a का फॉर्मूला आया उसको लगाते चले गए और सिंप्लीफाई कर दिए, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इतना ही है। अब इसके हेल्प से हम लोग कुछ कुछ जो है न्यूमेरिकल करेंगे, देखते हैं न्यूमेरिकल होता है या नहीं होता है अपने से। आइए
एक एग्जांपल छोटा सा। छोटा सा एक एग्जांपल कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस टू ए। वन माइनस कॉस टू ए क्या होगा? कॉस टू ए का फॉर्मूला लिखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना साइन वाला, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर ए। न्यूमरेटर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर ए और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए। इसका पेयरिंग कर दिया हमने, इसका पेयरिंग कर दिया हमने, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, वन बाय टेन हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब देखो बढ़िया चीज क्या है कि आपका दो फार्मूला और लिस्ट में आ गया। एक आ गया है वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए और वन प्लस कॉस टू ए टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही तक रखेंगे। आप लोग को फार्मूला डेरिवेशन होम असाइनमेंट है ही, हाँ कॉस टू ए का और भी फार्मूला है उसको प्रूफ करना है तुम लोग को। ठीक है, ओके सर। हाँ कोई कुछ आवाज लगाया था, बोलो फिर से। ओके सर, बोल रहा था। तो आप लोग को होम असाइनमेंट में एक्सरसाइज से भी दे देता हूँ जो आप लोग कर सकते हो, छोटे छोटे सवाल। होम असाइनमेंट इन एक्सरसाइज फोर, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका है 17। मैं 17 का 17 तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन शुरुआत के कम 6 सवाल तो हम लोग कर ही सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाँ नील का क्वेश्चन करते हैं हैंडल। टेस्ट पिछले बार जो हुआ था एकदम वैसा ही टेस्ट होने वाला है, उसमें प्रूफ दैट नहीं होगा, उसमें प्रूफ दैट नहीं होगा, न्यूमेरिकल आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव आंसर होंगे। तो जितना पीछे का पार्ट है, देखो मैं होमवर्क बहुत कम दिया हूं आप लोग का, जितना पीछे का पार्ट है उसको एक बार रिविजन कर लेना, क्योंकि टेस्ट में पीछे से भी क्वेश्चन आएगा। समझ गए? तो आज सर वो क्वेश्चन में वन भी करना है क्या? टेन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए, वो वाला टेन ए इक्वल टू बी अपॉन ए वाला, इसको तुम लोग ट्राई करो, अगर होता है तो बढ़िया है। हाँ वन भी ट्राई कर लो, ऑप्शनल रख देता हूँ इसको, है तो फॉर्मूला ही लगाना। okay, सर।
है ना, टेन में कन्वर्ट कर देना है पूरे को, तो हो जाएगा। मतलब यहाँ से टेन से साइन ए कॉस ए मत फाइंड करना, जो तुमको दिया हुआ ना उसमें सब चीज को टेन में लिख देना, तब डी बाई ए रखना है। ओके, बाकी अगले क्लास में इतना करके लाओगे तो ये चैप्टर जो है लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, श्रावणी बोलो। इसमें कौन चैप्टर, मतलब तुम्हारी आवाज थोड़ी कट रही है श्रावणी, तुम चैट पे भी हमसे तुम ये बात पूछ लेना, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करिए, जिनको कोई भी डाउट है ना टेस्ट रिगार्डिंग, तो वो चैट पे तुम मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा टाइमली रिप्लाई करने का। हैव अ नाइस डे।